यूएफसी 305 18 अगस्त को सुबह 7:30 AM पे इंडिया में आने वाली है, और जो मेन इवेंट है यूएफसी 305 में वो है इजराइल एडेसानिया वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी। और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे, मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा, पिक करूंगा फाइटर को कि अडेसानिया जीतने वाले हैं या फिर ड्रेकस डुप्लेसी अपना पहला टाइटल डिफेंस करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इस वीडियो में आप लोगों से यह भी डिस्कस करूंगा कि अगर इजराइल अडेसानिया के जीतने का चांस है तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं कि जिससे इजराइल अडेसानिया जीत सकते हैं, और साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि ड्रेकस डुप्लेसी क्या करे जिससे कि वो जीत सके और पहला टाइटल डिफेंस कर सके, अपने मिडलवेट टाइटल का पहला डिफेंस कर सके। तो यहां पर दोनों सिनेरियोज की हम बात करेंगे, और फिर मैं लास्ट में यह भी बताऊंगा कि मेरी फाइनल पिक क्या होगी। तो आप लोग जो हिंदी में यूएफसी की फाइट्स का एनालिसिस पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जैसे ही मैं डिस्कस करूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आप मेरे इस एनालिसिस से कितना एग्री करते हैं, और इसमें आप कुछ चीजें ऐड करना चाहो या कुछ चीजों से मेरी एग्री ना करो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इजराइल अडेसानिया को देखते हैं। इजराइल अडेसानिया को अगर हम देखें तो इजराइल अडेसानिया अभी पिछली 3 फाइट में से 2 फाइट हार चुके हैं, और ये चीज हम इजराइल अडेसानिया के साथ एसोसिएट नहीं करते क्योंकि इजराइल अडेसानिया यान ब्लोविच से फाइट करने से पहले तक अनडिफीटेड थे। लेकिन इजराइल अडेसानिया पिछले 3 फाइट में से 2 फाइट हार कर एक तरीके से साइडलाइन होकर बैठे हुए हैं। वो अब रिटर्न कर रहे हैं ड्रेकस डुप्लेसी के खिलाफ। ड्रेकस डुप्लेसी पिछली 7 फाइट जो है यूएफसी में कर चुके हैं, और 7 की 7 फाइट ये जीते हैं। तो यहां पर जो ये टक्कर होने वाली है टाइटल के लिए, ये काफी तगड़ी टक्कर होने वाली है। इसमें हम अगर इजराइल अडेसानिया की बात करें तो इजराइल अडेसानिया के पास एक बहुत तगड़ा हथियार ये है कि वो काउंटर स्ट्राइकर बहुत ज्यादा तगड़े हैं। काउंटर स्ट्राइकर का मतलब क्या होता है? काउंटर स्ट्राइकर का मतलब होता है कि जब भी आप केज के अंदर फाइट कर रहे हो तो दूसरा फाइटर जब भी ओवर एग्रेसिव हो या फिर एक्सटेंड कर दे अपनी बॉडी को, तो ऐसे में बूम एकदम से जो है आप प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करो। तो इजराइल अडेसानिया एक तरीके से ब्रॉलिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो प्रीसाइज टेक्निकल स्ट्राइकिंग करते हैं, और वो भी किस तरीके से, वो भी इस तरीके से करते हैं कि जब दूसरा फाइटर जो है ओवर एक्सटेंड करे, वो मूव फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, और यही दिक्कत का सामना वो अपने करियर में करते आए हैं। अब आप इजराइल अडेसानिया की वो फाइट उठाकर देखिए जहां पर दूसरे फाइटर्स ने ओवर कमिट नहीं किया, तो वो फाइट सारी की सारी बोरिंग हो गई। आप जो है पिछली फाइट कैननियर के साथ उठाकर देखिए, वो भी बिल्कुल बोरिंग थी। क्यों? क्योंकि कैननियर ने ओवर एक्सटेंड नहीं किया और इजराइल अडेसानिया ने मूव फॉरवर्ड नहीं किया, और वो फाइट बोरिंग हो गई क्योंकि वो काउंटर स्ट्राइकिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे। उससे पहले आप योएल रोमेरो की फाइट को उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी दिक्कत यही आ रही थी कि योएल रोमेरो जो है वो ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो फाइट भी बोरिंग होती चली गई। इजराइल अडेसानिया की लास्ट फाइट जो शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ हुई थी, उसमें भी जो मेन दिक्कत अडेसानिया को आई थी वो यही आई थी कि इजराइल अडेसानिया मूव फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे थे, और शॉन स्ट्रिकलैंड ने उनका गेम प्लान एकदम से शट डाउन कर दिया था। यहां पर अगर सेम चीज डुप्लेसी करने लगे तो अडेसानिया के पास दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इजराइल अडेसानिया ने जो इतना लंबा ले ऑफ लिया है, इसके अंदर उन्होंने अपने गेम के अंदर जरूर इवॉल्व किया होगा, अपने गेम को मॉडिफाई किया होगा, और जो थोड़ी बहुत गलतियां थी, देखो इतने बड़े हाई लेवल पर बिल्कुल होल्स नहीं होते गेम में, होल्स ढूंढने पड़ते हैं कि भाई सामने वाले के गेम प्लान में होल कहां पर है, छेद कहां पर है जिनका फायदा उठाऊं मैं। तो यहां पर इजराइल अडेसानिया के गेम प्लान में यही होल है कि वो काउंटर स्ट्राइकिंग के साथ साथ इवॉल्व नहीं कर पा रहे ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग में। तो अगर इजराइल अडेसानिया ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग करेंगे, एक तरीके से स्टाइल बेंडर की तरह जो है परफॉर्म करेंगे, तो वो ये फाइट जीत सकते हैं। नहीं तो अगर वो सेम गेम प्लान लेकर आए कि काउंटर स्ट्राइकिंग के ऊपर जो है बिलीव करेंगे और टेक डाउन्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे,
तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, दूसरी तरफ हम बात करते हैं ड्रेकस डुप्लेसी की। देखो ड्रेकस डुप्लेसी जो है 7 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है यूएफसी के अंदर, 7 फाइट उन्होंने की है 2020 के अंदर उन्होंने एंट्री ली थी। अब ड्रेकस डुप्लेसी ने यूएफसी के अंदर एक चीज हमें दिखाई है कि वो फाइट के अंदर दिखते स्लो हैं लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ऑकवर्ड है, सभी फाइटर्स जैसी नहीं है। यानी कि आप अगर उन्हें टीवी पे देखोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि उनका गैस टैंक कम है, हाफ रहे हैं, वो मुंह से सांस ले रहे हैं, आपको वो केज के अंदर पहले और दूसरे राउंड में इस तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि यार ये बहुत स्लो हो रहा है, या फिर हम कहें कि वो इतना क्विक नहीं है, इतनी पावर इसके अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइकिंग करने लगते हैं और जब वो एक्सप्लोड करते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और एक चीज जो ड्रेकस डुप्लेसी को बहुत खतरनाक बनाता है वो ये बनाता है कि आप इनके रिकॉर्ड को उठाकर देखो, 21 विन है, 2 लॉस है। इन 21 विन के अंदर से 9 विन नॉकआउट से हैं, 10 विन सबमिशन से हैं और 2 विन डिसीजन से हैं। तो अब ये फाइट अगर आप देखो बड़े ध्यान से तो ड्रेकस डुप्लेसी इस फाइट को ब्लोविच की तरह ग्राउंड पर ले जाकर टेक डाउन को सिक्योर करके भी डिसीजन विक्ट्री ले सकते हैं, नहीं तो अगर वो टेक्निकल स्ट्राइकिंग करने चले गए अडेसानिया के साथ तो मुझे वहां पर दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्राइकिंग के अंदर जो ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग है उसमें तो वो इजराइल अडेसानिया का गेम प्लान शट डाउन करने की कोशिश करेंगे, वो मूव फॉरवर्ड करेंगे, हमेशा केज की तरफ उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अडेसानिया को हमेशा बैक फुट पर रखेंगे, और बैक फुट पर जब वो उसको केज के पास ले जाएंगे तब वहां पर वो बॉडी शॉट और या फिर अपर कट वगैरह लैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर वो अपने हेड मूवमेंट को ठीक नहीं रखते हैं या फिर वो एक जगह पर स्टेशनरी खड़े रहते हैं तब वहां पर काउंटर स्ट्राइकिंग अडेसानिया की उन्हें नॉकआउट कर सकती है। इस बात का ध्यान जो है डुप्लेसी को रखना पड़ेगा। डुप्लेसी के लिए जीतने का जो एक तरीका है वो ये होगा कि जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड ने शट डाउन कर दिया था इजराइल अडेसानिया का गेम, वैसे ही इजराइल अडेसानिया के गेम को शट डाउन करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि वॉल्यूम ज्यादा थ्रो करनी पड़ेगी, और राउंड्स के अंदर अगर वो टेक डाउन कर लेते हैं इजराइल अडेसानिया को तो उससे राउंड सिक्योर हो जाएंगे। पहले 3 राउंड के अंदर कम से कम 2 राउंड उन्हें जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब चैंपियनशिप राउंड आते हैं 4th और 5th तो जो चैलेंजर होता है अगर वो 2 राउंड शुरुआत के हार चुका होता है 3 में से तो उसके पास फिनिश करने के अलावा और कोई चांस रहता नहीं। और ऐसे में इजराइल अडेसानिया अगर काउंटर स्ट्राइकिंग के ऊपर ही बैठे रहे तो फिनिश नहीं कर पाएंगे किसको, ड्रेकस डुप्लेसी को। तो यहां पर 2 सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं। पहला सिनेरियो ये निकल के आ रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने अडेसानिया को हरा दिया था और दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड को हरा दिया था डुप्लेसी ने। तो इस तरीके से अगर ये मैचअप देखा जाए तो अडेसानिया को अगर स्ट्रिकलैंड का गेम प्लान जैसा ही गेम प्लान बनाकर आए डुप्लेसी तो हरा देंगे, लेकिन अगर इजराइल अडेसानिया ने ये जो ले ऑफ लिया है क्योंकि वो साल में 3 बार फाइट करते थे, अब उन्होंने काफी लंबे टाइम से फाइट नहीं की है तो अपने जो गेम के अंदर जो होल्स थे उनको सुधारा होगा, सीखा होगा अपनी पुरानी लॉसेज से, तो वो अपनी स्ट्राइकिंग के अंदर एक नया फेदर ऐड करेंगे और डुप्लेसी को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो ड्रेकस डुप्लेसी डिसीजन से जीत सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं इजराइल अडेसानिया को पहली बार, डिसीजन और सबमिशन, और अगर नॉकआउट की बात करें तो उससे जीत सकते हैं अडेसानिया। दोनों के चांसेस इस फाइट के अंदर बिल्कुल 50-50 हैं, कोई भी जीत सकता है। मैंने अब आपसे भी सभी पूछा था अपने भाइयों से तो आपने 60-40 जो है अडेसानिया को फेवरेट रखा था। ऐसे में अगर आप मेरी पिक पूछें तो मैं इस फाइट को जीतने के लिए अभी पिक कर रहा हूं ड्रेकस डुप्लेसी को, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज यंगर, ही इज हंग्रियर and he is more passionate about fighting. आज के टाइम पर इजराइल अडेसानिया के पास millions of dollar उनके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जो उनको अचीव करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, he is the style bender. तो क्या कॉनर मैकग्रेगर की तरह वो भी अब जो है फाइट गेम को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये हमें पता लगेगा कब, UFC 305 में। माई ऑफिशियल प्रेडिक्शन इज ड्रेकस डुप्लेसी। आप लोग
मेरी इस पिक से एग्री करते हो या नहीं करते, और आपको ये एनालिसिस मेरा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करना, और कमेंट आपका आ जाना चाहिए।